ओम श्री गणेशाय नमः दोस्तों। ओम गणपति समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 23 नवंबर मंगलवार आज के कन्या राशि फल के बारे में। आज के दिन इनको किन चीजों से फायदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और व्यवसाय कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नई नई महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपकी राशि वालों का आज का दिन। दोस्तों आज के दिन आपका भाग्य पक्ष मजबूत रहेगा, इसलिए दोस्तों महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलने की पूरी संभावना बन रही है। अपनी ओर से कोई लापरवाही ना बरतें। म्यूजिक के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छा अवसर मिलेगा और साथ ही टेली कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए भी आज लाभ का दिन है। साथ ही खुदरा व्यापारियों को अच्छा मुनाफा होगा, बस ग्राहकों का ध्यान रखें और साथ ही अच्छी बिक्री के लिए कोई स्कीम या ऑफर भी दे सकते हैं। पीठ दर्द के प्रति सचेत रहें, हड्डियों में कोई दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। परिवार के कार्यों में सहयोग करें और माता पिता का आशीर्वाद लें, यह आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। यह समय पिछली कुछ कमियों से सीख लेकर आगे बढ़ने का है और आप इस पर कार्य भी कर रहे हैं। इस तरह की कोशिशों से लोगों के साथ संबंधों में आश्चर्यजनक सुधार आएगा, आप मजबूती के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी नेगेटिव बातों के बारे में। आज आप व्यर्थ की बाहरी गतिविधियों में अपना समय नष्ट न करें, साथ ही घर के बुजुर्गों की अवहेलना भी ना करें। उनका सहयोग और आशीर्वाद आपका मार्गदर्शन करेगा और साथ ही दोस्तों स्वार्थी मित्रों और लोगों से दूरी बनाए रखें, उनकी गलत सलाह आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती है जिसकी वजह से मन में मायूसी उत्पन्न होगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। इस समय व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप लाभदायक साबित होगी और कार्य का दायरा भी बढ़ेगा, साथ ही आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा और नौकरी में स्थानांतरण की संभावना बन रही है। साथ ही साथ प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात आपके व्यवसाय को तुरंत गति प्रदान करेगी, इसलिए अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी से समर्पित रहें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और प्रेम संबंधों में निखार आएगा, इससे आप दोस्तों में नजदीकियां बढ़ जाएंगी और साथ ही मनोरंजन संबंधी कार्यों में भी समय व्यतीत होगा। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, प्रेम संबंधों के लिए बेहतर समय रहेगा, की गई कोशिशों में सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों आपको कई बार आगाह किया गया है स्वास्थ्य से संबंधित कोई पुरानी समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसे आप गंभीरता से लें और तुरंत इलाज कराएं। इसके लिए मेडिटेशन और योगा पर अधिक ध्यान दें जिससे समस्या तुरंत समाप्त हो जाए और आप अधिक स्वस्थ रहें। दोस्तों आज आप ये उपाय अवश्य करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान हनुमान को गेरुआ सिंदूर अर्पित करें और 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इस प्रकार उपाय करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों आपको भगवान श्री हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त हो। कमेंट में जय हनुमान अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।